गुड। पूरी बिल्डिंग चेक हो गई है। क्या लगता है मैडम आपको मेरी बालकनी के बारे में, मेरा मतलब है पूरी सोसाइटी के बारे में क्या लगता है आपको? कंडीशन ठीक नहीं है, कहीं ये बिल्डिंग खाली न करवानी पड़े। आइए देखिए, टेंशन तो है बट एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है ये तो आपको 5 दिन के बाद ही पता चलेगा जब मैं रिपोर्ट लेकर आऊंगी। 5 दिन? अरे मैडम आपने देखा है बिल्डिंग की क्या हालत है, 5 दिन तक हम वेट नहीं कर सकते। हाँ मैडम बहुत टेंशन हो रहा है, जरा लवकर बगा ना प्लीज। प्लीज मैडम, क्या 5 दिन तक हम लोगों का बहुत टेंशन रहेगा। देखिए टेंशन तो है ही, ठीक है मैं कल रात 9:30 बजे रिपोर्ट लेकर आती हूँ। ओके ओके, तो मैं सभी को कल रात ठीक 9:30 बजे मीटिंग के लिए बुला लेता हूँ। 9:30 बजे मतलब 9:30 बजे सब हाजिर हो जाना, सुबह की तरह। समझ गए ना बेटे? चले। थैंक यू मैडम, बाय बाय। बहुत टेंशन हो रहा है, ये बिल्डिंग का रिपोर्ट क्या आएगा क्या मालूम। अरे यार मुझे तो दो टेंशन सता रहे हैं। सबसे पहला टेंशन कल सभी लोग वक्त पर मीटिंग में आ जाए, वरना पोपटलाल की भाषा में बोलूं तो मैडम गोकुलता मिला देंगी। और दूसरा टेंशन ये है कि कहीं ऐसा रिपोर्ट ना आ जाए जिसे सचमुच गोकुलता मिल जाए। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी नोटिस बोर्ड पर जाके लिख देता हूँ कल ठीक रात 9:30 बजे सब लोग मीटिंग में आ जाए। चलो चलो अजय भाई। अरे दादाजी में कितना भी अर्जेंट मीटिंग हो, 2-4 मेंबर को जोड़कर कोई भी टाइम पर नहीं आता है। नहीं भाई कल ऐसा नहीं चलेगा, कल की मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं मेरी बालकनी का मेरा मतलब है हमारी सोसाइटी की कंडीशन का सवाल है, कल सबको टाइम पर आना ही पड़ेगा। बेटा तुम एक काम करो, ललिता मैडम ने 9:30 बजे आने का बोला है ना, तुम ऐसा लिखो कि मीटिंग का टाइम 9 बजे का है, फिर 9:30 बजे तक सब लोग पहुंच ही जाएंगे। करेक्ट 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 है पोपटलाल, वेरी गुड आइडिया। फिर भी पोपटलाल सोसाइटी में एक दो लोग ऐसे हैं जो लेट ही आएंगे। हाँ, मैं समझ गया तुम किसका बात कर रहे हो, एकदम करेक्ट है। नहीं नहीं भाई कल ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। बेटा तुम एक और काम करो, 9 बजे के साथ साथ ये लिखो कि मीटिंग के लिए जो 1 मिनट भी लेट होगा उसे 5,000 का दंड भरना पड़ेगा। लिखो 5,000 रुपए? 100-200 होगा ना तो कोई मीटिंग को सीरियसली लेगा ही नहीं। पोपटलाल तुम एकदम करेक्ट बोल रहे हो, यह जेठालाल 100 रुपए देगा और लेट आएगा, मीटिंग का इम्पोर्टेंस समझेगा ही नहीं। करेक्ट है करेक्ट है। आजमाराम तुम लेगो 5,000 फाइन। हाँ 5,000 रुपए करेक्ट है, अभी सब लोग वक्त पर आएंगे, इनफैक्ट वक्त से पहले आएंगे। क्या बात है पोपटलाल, तुम्हारी बालकनी में जरा सी प्रॉब्लम क्या हुई, तुम्हारा दिमाग काफी तेज काम करने लगा। अप्रतिम आइडिया, थैंक यू। अंडरलाइन, वाह वाह वाह, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। ठीक है। नहीं नहीं आदमाराम, इसमें यह भी लिखो कि यह फाइन की रकम में कोई भाव ताव नहीं होगा, एकदम फिक्स्ड रेट। वाह वेरी गुड। वेरी गुड। अब आत्माराम तुम देखना तब कैसे टाइम पर आते हैं। आओ भाई आओ। हाँ बॉस। नहीं 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 बॉस। हाँ कंफर्म कंफर्म बॉस। रिलैक्स बॉस, डोंट वरी बॉस, मैं हूँ ना बॉस। नहीं मैं बॉस तो कंफर्म। यस बॉस यस बॉस। थैंक यू बॉस। अरे मेहता साहब, मेहता साहब। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या सुबह सुबह? हाँ वो मेहता साहब
कल रात को क्लब हाउस में सोसाइटी का मीटिंग है। वो ललिता मैडम सोसाइटी का स्ट्रक्चरल रिपोर्ट देने आने वाली है। ओह वेरी नाइस वेरी नाइस। मीटिंग का टाइम 9 बजे का तय हुआ है और इस बार अगर मीटिंग में कोई एक मिनट भी लेट पहुंचा तो उसके लिए 5,000 का दंड फिक्स किया है सोसाइटी कमेटी ने। अच्छा अच्छा 5,000 5,000 का दंड। ओह ताकि सारे लोग टाइम पर मीटिंग में आ जाए इसलिए। और मान लीजिए कोई मीटिंग में आए नहीं तो नहीं आएगा मतलब। मेहता साहब कल स्ट्रक्चरल रिपोर्ट आने वाला है, हो सकता है कोई बड़ा फैसला लेना पड़े तो सबका आना जरूरी है। हाँ यार लेकिन बड़े एक छोटी सी प्रॉब्लम है, अभी अभी बॉस का फोन आया था और मुझे कल पहुंचना है जोधपुर, एक्चुअली बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मेहता साहब ये मीटिंग भी उतनी ही जरूरी है भाई, फंसा दिया ना आपने। हाँ मेहता साहब आपका होना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ भिड़े बहुत जरूरी है लेकिन नौकरी करना भी तो उतना ही जरूरी है। और मैं बॉस को वादा कर चुका हूँ मैं सिर्फ एक दिन के लिए जा रहा हूँ, परसों आ जाऊंगा। और इसमें आप जो भी फैसला लेते हैं उसमें मेरी सहमति है। इट्स ओके मेहता साहब, नौकरी फर्स्ट। चलिए मैं निकलता हूँ। ओके देर हो रही है ऑफिस जाने के लिए इसलिए। गुड डे। ओके ओके लो भाई मैच शुरू होने के पहले ही एक विकेट गिर गया। अर्जेंट काम होता है वो बड़ा, अभी जाने दो ना। मैंने नोटिस बोर्ड पे नोटिस लिख दिया है, फिर भी हम लोग सभी को एक बार वापस फोन करके बता देंगे मीटिंग को वक्त पर पहुंच जाए। हाँ बोलो पोपटलाल। हाँ जेठालाल, कल रात 9 बजे सोसाइटी के क्लब हाउस में मीटिंग रखी है, वो ललिता मैडम स्ट्रक्चरल रिपोर्ट लेकर आने वाली है, तो तुम ठीक 9 बजे क्लब हाउस में पहुंच जाना। हाँ ठीक है पहुंच जाऊंगा। 9 बजे मतलब ठीक 9 बजे, अगर कोई एक मिनट भी देरी से आया तो 5,000 का दंड है। 5,000 का दंड? क्या भाई लूटफट का आइडिया किसका है? और किसका होगा, भिड़े का। पर जरूरी है। क्या क्या जरूरी क्या है भाई, ऐसे 5,000 का दंड थोड़ी होता है। 5,000 क्या 500 का दंड भी नहीं होता है। नहीं भाई नहीं सॉरी, हाँ मैं एक रुपया भी नहीं दूंगा। मतलब तुम्हारा मीटिंग में देर से आने का प्लान है? अरे नहीं भाई मैं टाइम पे आ जाऊंगा, लेकिन ये क्या कोई एक मिनट लेट आया तो 5,000 का दंड। अरे भाई जेठालाल बात की गहराई को समझो, ये मीटिंग हमारी सोसाइटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे बिल्डिंग के अस्तित्व का सवाल है। और अगर दंड नहीं रखा तो सब लोग इस पूरी बात को एकदम लाइटली लेंगे, आराम से आएंगे, बात की सीरियसनेस को कोई समझेगा ही नहीं। और वो ललिता मैडम को तो तुम जानते ही हो, डिसिप्लिन नियम कानून में मानने वाली है। अरे भाई को एक मिनट भी देरी से आया तो वहाँ सबके सामने बीचों बीच मीटिंग में डांट देगी, और हो सकता है कि रिपोर्ट बताए बिना ही चली जाए मीटिंग से। हाँ वो माथा फरल तो भाई कुछ भी कर सकती है, तो इसीलिए 5,000 का दंड रखा है ताकि सब लोग मीटिंग में टाइम पर आ जाए। अरे लेकिन मान लो मेरी रिक्शा ट्रैफिक में फंस गई और फिर जल्दी जल्दी में रिक्शा वाले ने ट्रैफिक पुलिस को ही टक्कर मार दी तो? अरे जेठालाल अगर जेन्युइन कारण होगा तो थोड़ी दंड होगा भाई, तुम टाइम पर आ जाना ताकि मीटिंग टाइम पर शुरू हो जाए। ठीक है भाई ठीक है पहुंच जाऊंगा। चलो अभी तक सोसाइटी की बिल्डिंग का रिपोर्ट क्या आएगा उसका टेंशन था, अभी उसके साथ साथ ये मीटिंग में टाइम पे पहुंचने का टेंशन भी आ गया। अरे दया आए। क्या? चलो मैं दुकान जा रहा हूँ। क्या टप्पू के पापा हमेशा ऐसे ही कहते हो, दया दुकान जा रहा हूँ, कभी तो ऐसा कही है। चल दया आज फिल्म देखने जाते हैं। चल ठीक है आज तेरी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। कौन सी फिल्म देखने जाएंगे? तुझे जो पसंद हो। थैंक यू। चल एक मिनट पहले आंख बंद कर। एक मिनट आंख बंद करके मैं फिल्म कैसे देख सकती हूँ? अरे भाई बोला उतना करना, विश्वास है कि नहीं तुझे मुझ पे? आंख बंद कर। एक मुझे पता चल गया, मेरी आंख बंद करवा के आप मेरे गाल पे अगर कुछ करना चाहते हो तो जरा ध्यान रखना दरवाजा खुला है। नहीं भाई कुछ नहीं करना है, आंख बंद कर। रेडी? रेडी बाबू रेडी। अभी चुपचाप चल। पूरी रास्ते में ऐसे ही ले जाओगे? अरे पास में ही है थिएटर। हाँ एक मिनट अभी जरा यहाँ खड़े रहो, ये लो पिक्चर का टिकट।
ये टिकट है? ये टिकट है और सामने पिक्चर का पर्दा है, उस पे 2400 घंटे ढेर सारी पिक्चर आती ही रहती है। आपको जो पिक्चर देखनी है आप देख सकते हैं। इधर सोफा सीट भी है, उसके ऊपर बैठ के या लेट के, जैसे भी आपकी मर्जी आप देख सकते हैं। चलो ना प्लीज, आज फिल्म देखने जाते हैं। जो मैंने हो गया फिल्म देखे। हाँ लेकिन आज नहीं जा सकते दया, आज का प्रोग्राम फिक्स है। आज रात को 8 बजे नासिक से पार्टी आ रही है, उनके साथ मीटिंग है। तो कल जाते हैं? हाँ कल भी नहीं जा सकते क्योंकि कल का प्रोग्राम भी फिक्स है। कल रात को ललिता गोड बोले, मैडम हमारी सोसाइटी की बिल्डिंग मजबूत है या खखड़दज, उसका रिपोर्ट लेके आने वाली है। तो भिड़े ने रात को 9 बजे क्लब हाउस में मीटिंग रखी है और सबको टाइम पे आने का बोला है। टप्पू के पापा, भिड़े भाई और पोपट भाई की बालकनी से प्लास्टर गिरा ना, तब से बिल्डिंग की बहुत चिंता होने लगी है। पता है वो गॉड बोले बहन जब बिल्डिंग को चेक कर रहे थे ना, तब उनके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि बिल्डिंग की हालत ठीक नहीं है। तो आपको क्या लगता है रिपोर्ट क्या आएगा? क्या पता, लेकिन वो पोपटलाल भी कह रहा था कि वो गॉड बोले मैडम जो टेंशन के साथ ये बिल्डिंग को अंदर बाहर से चेक कर रहे थे, वो देखते हुए हो सकता है शायद रिपोर्ट गड़बड़ी आए। अगर रिपोर्ट गड़बड़ आई तो हमें बिल्डिंग खाली करके कहीं और जाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, क्या बोल रही है तू? अरे सच कह रही हूँ। पता है मेरे दूर के मामा के साथ ऐसा ही हुआ, उनकी बिल्डिंग बाहर से मस्त लग रही थी तो उन्होंने ऐसे ही रिपोर्ट करवाया, तो पता चला कि बिल्डिंग तो अंदर से खखड़ी हुई है, रातों रात घर खाली कर देना पड़ा। अरे भाई तू सुब सुब बोल, ऐसे टेंशन मत बढ़ा, तो शांति रख जरा, देखते हैं कल क्या पत्ता खुलता है, मतलब कल क्या रिपोर्ट आता है। चलो मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। टप्पू कल सोसाइटी की कंडीशन क्या है उसकी रिपोर्ट आने वाली है, मुझे तो अभी से ही टेंशन हो रही है। हाँ यार, अगर कल ऐसा आया कि हमारी बिल्डिंग कमजोर है तो मुझे क्या लगता है टप्पू, तू 4-6 मारता है ना, इसलिए बिल्डिंग कमजोर हो गई होगी। अरे गोगी तू कैसी बातें कर रहा है, अरे बॉल कितनी हल्की होती है और वो लगने से दीवार कैसे कमजोर हो जाएगी। हाँ तो क्या, ऐसे तो बारिश के बूंदे भी हल्की होती है, तो सब ऐसे क्यों बोलते हैं कि बारिश की वजह से बिल्डिंग कमजोर हो गई, बताओ क्यों? अरे इसका कोई मुंह बंद कराओ यार। लेकिन फ्रेंड्स पहले ये सोचो कि अगर हम सबको बिल्डिंग छोड़कर जाना पड़ा तो हम सबको अलग अलग रहना पड़ेगा। नो फ्रेंड्स, चलो हम भगवान के पास जाके प्रार्थना करते हैं कि हमें हमारी प्यारी गोकुलम सोसाइटी छोड़कर ना जाना पड़े। चलो चलो, चलो, चलो। गॉड, 5,000 रुपए दंड। ओ खुदाए, मुझे तो रोशन को घड़ी घड़ी फोन करके याद दिलाना पड़ेगा कि वो जल्दी घेर है, नहीं तो वो तो भूल ही जाता है। मुझे तो इनका बिल्कुल टेंशन ही नहीं है, अरे ये तो घर पे ही रहते हैं ना, और वैसे भी इतने शिस्तप्रिय हैं कि टाइम पर तो पहुंच ही जाएंगे। दया बहन आप जेठा भाई को चौक्कस याद दिला देना, वरना वो भूल गए तो। अरे रोशन भाभी, जेठा भाई व्यापारी है, नुकसान हो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, होगी नहीं हो? तटन साथी बच्चा। हाँ सच कहा, लेकिन शायद टप्पू के पापा काम में बिजी हो जाए और भूल जाए तो? मैं तो बाबा टप्पू के पापा को बार बार फोन करके याद दिलाती रहूंगी कि जल्दी घर पे आ जाए। वैसे क्या लग रहा है ये ललिता मैडम क्या रिपोर्ट लेके आएंगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या होगा। एक काम करते हैं हम लोग, एक दो अच्छी साड़ी लेकर ललिता बहन को गिफ्ट कर देते हैं, फिर देखिए रिपोर्ट अच्छी आएगी। आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं?
मैं तो आप लोगों का टेंशन कम हो जाए इसलिए मजाक कर रही थी। कठिन है यार। दया भाभी, हम चाहे जितना मजाक कर ले पर जब तक रात को रिपोर्ट नहीं आती तब तक टेंशन तो रहेगा ही। हाँ आज बहुत टेंशन है। ओह माय गॉड, 5,000 रुपए दंड। वो कुड़े, मुझे तो रोशन को घड़ी घड़ी फोन करके याद दिलाना पड़ेगा कि वो जल्दी घेर है, नहीं तो वो तो भूल ही जाता है। मुझे तो इनका बिल्कुल टेंशन ही नहीं है, ये तो घर पे ही रहते हैं ना, और वैसे भी इतने शिस्त प्रिय है कि टाइम पर तो पहुंच जाएंगे। दया बेन, आप जेठा भाई को चौक्कस याद दिला देना वरना वो भूल गए तो। अरे रोशन भाभी, जेठा भाई व्यापारी है, नुकसान हो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, होगी नहीं हो? तद्दन साची बच्चा। हाँ सच कहा, लेकिन शायद टप्पू के पापा काम में बिजी हो जाए और भूल जाए तो? मैं तो बाबा टप्पू के पापा को बार बार फोन करके याद दिलाती रहूंगी कि जल्दी घर पे आ जाए। वैसे क्या लग रहा है, ये ललिता मैडम क्या रिपोर्ट लेके आएंगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या होगा। एक काम करते हैं, हम लोग एक दो अच्छी साड़ी लेकर ललिता बहन को गिफ्ट कर देते हैं, फिर देखिए रिपोर्ट अच्छी आएगी। आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं तो आप लोगों का टेंशन कम हो जाए इसलिए मजाक कर रही थी। कठिन है यार। दया भाभी, हम चाहे जितना मजाक कर ले पर जब तक रात को रिपोर्ट नहीं आती तब तक टेंशन तो रहेगा ही। हाँ आज बहुत टेंशन है। हाँ। नटो काका, समझ गया। भागा, तू टेम्पो में ही जाना। ठीक है नटो काका, जैसी जिसकी सोच। चलो नटो काका, मैं घर जा रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो फिर अर्जेंट घर क्यों जाना है? अरे सोसाइटी में अभी 9 बजे मीटिंग है। ओके, गोकुलधाम सोसाइटी का प्लास्टर उखड़ रहा था तो बिल्डिंग का स्पेशल डॉक्टर को बुलाया था, उसने आके बिल्डिंग की तबीयत का पूरा चेकअप किया और अभी 9 बजे और रिपोर्ट लेके आने वाले, तो भीड़े ने मीटिंग बुलाई है। अभी पता नहीं मीटिंग कितनी लंबी चलेगी, तो क्या थोड़ा जल्दी घर जाकर खाना बना खा लो, टेंशन नहीं भले लंबी चले मीटिंग। तो अगर आप दोनों की इज्जत हो तो मैं घर जाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल जाइए। बागा, बागा। इजाजत दे दे। हाँ हाँ सेठ जी, खुशी खुशी जाइए। मित्रों, नींद में एक बच्चा जितनी तेजी से करवट नहीं बदलता उससे कहीं ज्यादा तेजी से हालात बदल जाते हैं गोकुलधाम सोसाइटी में। गोकुलधाम सोसाइटी के निवासी भाई, एक तो टेंशन अभी ये था कि ललिता देवी क्या स्ट्रक्चरल रिपोर्ट देने वाली हैं इस बिल्डिंग की। अब दूसरा टेंशन सामने आ गया कि सोसाइटी मीटिंग में देर से पहुंचे तो 5,000 रुपए का दंड होगा। अब देखिए ना, ये तो ऐसी बात हुई, एक व्यक्ति जिसे किसी ऐसी लड़की से शादी करनी पड़े जो उसे कतई पसंद नहीं हो, और ऊपर से बारात घोड़ी के ना आने पे गधे पे बिठा के ले जानी पड़े, तो कितने टेंशन होंगे। बस ऐसे ही कुछ हालात इस वक्त गोकुलधाम सोसाइटी में। अब देखना यह है कि क्या होता है, क्या स्ट्रक्चरल रिपोर्ट होती है, और देखना यह भी है कि सोसाइटी मीटिंग में अगर आप देरी से पहुंचे तो क्या क्या हो सकता है, यानी कि टेंशन ही टेंशन। लेकिन यहाँ टेंशन जितने बढ़ते हैं हंसी उतनी ही बढ़ती है। आप एक चीज हमेशा याद रखिए, आप जीवन में कभी भी टेंशन मत पालिएगा, क्योंकि आपके टेंशन से लोगों को कोई बहुत ज्यादा सरोकार नहीं होगा, वो तो हंसेंगे। खैर, आपके टेंशन की चिंता हम पे छोड़ दीजिए, आपको हम टेंशन करने ही नहीं देंगे, बस हंसाते रहेंगे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा हमारे साथ। दया, जल्दी जल्दी फटाफट खाने लगा, बहुत लेट हो गया, रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। मुझे 9 बजे सोसाइटी की मीटिंग में क्लब हाउस पहुंचना है, 1 मिनट भी लेट गया ना 5,000 का दंड लग जाएगा। हाँ हाँ, लेकिन 9 बजने में अभी 15 मिनट बाकी है और आप तो क्लब हाउस 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। अरे खाना खाऊंगा तो टाइम तो लगेगा ना भाई। तो मीटिंग में आने के बाद खाना खाना है? सोसाइटी की मीटिंग लंबी भी चल सकती है, इतनी देर में भूखा नहीं रह सकता।
तू साथ में टिफिन दे दू। अरे वहाँ पिकनिक नहीं है, मीटिंग है। तू टाइम पास मत करना, दया तू फटाफट खाना लगा, तब तक मैं बाथरूम में खा लेता हूँ। मतलब ना लेता हूँ, जल्दी खाना लगा। हाँ, हाँ, आप ना लीजिए, मैं आपके लिए फटाफट गर्म गर्म रोटी बना देती हूँ। हाँ। एक मैंने मोजा जाना दे। हाँ। ओ पिड़ो, ओ 9:07 हो गए, अभी तक ललिता जी क्यों नहीं आई? अरे ललिता जी तो आ जाएंगे, लेकिन जेठालाल कहाँ है? हाँ, जेठा भाई किधर है? आसाराम, ये जेठालाल कभी सीरियस तो होता ही नहीं है, हमेशा लेट आता है। बिल्कुल सच बोला अय्यर भाई आपने। ओ अय्यर भाई, क्या भाई मेरे गैर हाजिरी में मेरी क्या बुराई कर रहे हो? जेठा भाई आप लेट आए हैं ना, और लेट आने का फाइन 5,000 रुपए। एक काम करो, आप 5,000 की मिठाइयां खरीद के पूरे सोसाइटी वाले को खिला दीजिए, बहुत मजा आएगा। हाथी भाई क्या बोल रहे हैं आप? भाई दंड का पैसा सोसाइटी फंड में जाएगा और कहीं नहीं। हाँ हाँ ठीक है। अरे भाई कैसा दंड, काय का दंड? जेठालाल तुम एग्जैक्ट 7 मिनट लेट आए हो। अरे भाई देखो मेरी घड़ी में बराबर 9 बजे। जेठालाल तुम्हारा घड़ी तुम्हारे माफिक स्लो है, हम सबकी घड़ी में 9:07 हुआ है। ये देखो, और मेरी घड़ी में भी देखो 9:07 हुआ है। देखो देखो जेठालाल, देखो देखो जेठालाल, देखो देखो दिखाओ। अरे जेठालाल, तुम सब ने अपनी अपनी घड़ी अय्यर भाई की घड़ी के साथ 7 मिनट आगे कर लिए है ना? भाई जेठा ब्रा, कहीं तुमने अपनी घड़ी पीछे तो नहीं कर दी? हाँ। अरे मैं क्यों अपनी घड़ी पीछे करूंगा भाई? ठीक है भाई, अगर आप लोगों को मुझसे जबरदस्ती 5,000 रुपया उगलवाने हैं, मैं देने को तैयार हूँ भाई। जेठालाल अगर तुम मानते हो कि तुम लेट आए हो तो फिर फाइन नहीं चाहिए। ठीक है तो मैं लेट आया हूँ। तो फिर निकालो 5,000 रुपए। निकालो 5,000 रुपए। अभी सुना नहीं क्या बोला भिड़े ने? नहीं चाहिए भाई। हाथ पर। ठीक है फाइन। अरे भाई बोला फाइन नहीं चाहिए, अभी तो बोला। जेठालाल मेरा मतलब आदमाराम तुम्हें समझ। हाँ जेठालाल, अभी जो अय्यर ने फाइन बोला उसका मतलब है इट्स ओके, ठीक है। भिड़ा तुम ये सोसाइटी के सेक्रेटरी के साथ साथ अय्यर भाई का भी पर्सनल सेक्रेटरी बन गए हो? मतलब? नहीं, अय्यर भाई ने तुमको काम चिंता और तुमने कर दिया। जेठालाल मैं कोई चिंधी काम नहीं करता, समझे ना? अरे चिंधी काम नहीं भाई, मतलब अय्यर भाई ने तुमको काम बोला कि भाई मुझे समझा दो, और तुमने एक सेक्रेटरी के मापक मुझे समझा दिया। अय्यर आइंदा मुझे मत बोलना, जिसको समझाना है उसको डायरेक्ट समझा देना। ओके सॉरी। जेठालाल मेरा कहने का मतलब था फाइन मतलब ठीक। फाइन। अरे भाई ठीक है, बहुत हो गया, मीटिंग शुरू करते हैं। भिड़े चालू हो जाओ। अरे एक मिनट, मेहता साहब कहाँ है? अरे हाँ वो जोधपुर गए, उन्होंने कहा है कि तुम लोग जो भी फैसला लोगे मुझे मंजूर है। ठीक है। अरे फैसला कैसे होगा, रिपोर्ट तो आने दो। हाँ अभी तो ललिता मैडम भी नहीं आई। तुम क्या कह रहे थे? ललिता मैडम बहुत पंक्चुअल है, 1 मिनट भी नहीं लेट होती। कहाँ है ललिता मैडम? ललिता मैडम दरअसल 9:30 आएंगी। अरे क्यों? हाँ हाँ वो तो आप लोग समय पर आओ इसलिए आपको 9 बजे का टाइम दिया गया था। भिड़े मास्टर शिक्षक होके झूठ बोलते हो? देखो अरे हम लोग यहाँ भाग भाग के कैसे पहुंचे हमारा तन जानता है। ओ जेठा ब्रा, तन नहीं मन, मन जानता है। अरे भाई भागने में तो तन को ही तकलीफ होती है ना, इसलिए तन बोला। ओ करेक्ट है जेठा ब्रा, ओ मैं 1 मिनट भी लेट ना हो जाऊं इसलिए बिना खाए पिए भागा चला आया। क्या बात कर रहे हो, बिना खाना खाए? देखो ये क्या टाइम पास क्या लगा है भाई भिड़े, 9:30 की मीटिंग में सबको 9 बजे बुला लिया। देखो देखो जो भी बोलना है पोपटलाल को बोलो, क्योंकि मीटिंग में 9:30 के बदले 9 बजे बुलाने का आइडिया इसका था। क्यों भाई पोपटलाल? एक मिनट जेठालाल बात को समझो, तुम यहाँ आज मीटिंग में कितने बजे आए? 9:07
सोचो अगर 9 बजे की मीटिंग का टाइम तय हुआ होता तो तुम मीटिंग में लेट हो जाते। और ललिता मैडम को तो आप जानते ही हो भाई, वो गुस्सा होकर मीटिंग छोड़कर चली जाती और रिपोर्ट नहीं बताती। इसलिए मीटिंग की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए 9:30 किया। चलो ठीक है, अभी आज के लिए ठीक है, लेकिन दोबारा ऐसा मत करना वरना अगली बार सब लोग मीटिंग में आधा घंटा लेट ही आएंगे। क्यों? हाँ जेठा ब्रा, अच्छा है तुमने बोल दिया, वरना मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि अगली बार जब मीटिंग होगी ना तो मैं तो 9:30 बजे आऊंगा। लेकिन मान लो अगली बार मीटिंग 10 बजे हुई तो भी 9:30 बजे आऊंगा। क्यों? ओ क्या है ना, 9:30 बजे तक खा पी के मैं एकदम फ्री हो जाता हूँ। अरे भाइयों मीटिंग शुरू करें। अरे हाँ, लेकिन ललिता मैडम को तो आने दो। बड़े मास्टर, ललिता मैडम आएंगी तो सही ना। अरे हाँ भाई, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक पता नहीं चलेगा हमारे बिल्डिंग का रिपोर्ट क्या है। सही बात है, मुझे तो अभी से टेंशन हो रहा है कि बिल्डिंग का क्या रिपोर्ट निकलेगा। अरे भाई वो तो टेंशन हो, उनका चेहरा देखा तो जब भी हो। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनिए जरा एक मिनट। सुनो सुनो भाइयों, और जब तक ललिता जी यहाँ पे नहीं आती है तब तक टाइम पास करने के लिए अपने पिढ़े साफ फर्स्ट क्लास कोई जोक या कविता सुनाएंगे। सुनाओ भाई सुनाओ। अरे ललिता मैडम। ओ ललिता जी, मैं कोई कविता सुना रहे हो? आइए मैडम, आइए प्लीज, आइए बैठिए। बैठने का वक्त नहीं है। अच्छा। और ललिता जी आप तो 15 मिनट पहले ही आ गए जी। मैडम वो रिपोर्ट जरा। स्ट्रक्चरल रिपोर्ट के हिसाब से एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि गोकुलधाम सोसाइटी अंदर से बहुत मजबूत है। एक बैड न्यूज भी है। बैड न्यूज ये है कि गोकुलधाम सोसाइटी की बाहरी दीवारों का प्लास्टर खराब हो चुका है, तो जल्द से जल्द प्लास्टरिंग करवाना जरूरी है। और बालकनी की कंडीशन भी खराब है, तो वहां जाना बहुत रिस्की है। तो ठीक है, जब तक रिपेयरिंग नहीं होता बालकनी बंद। क्या बालकनी बंद? नहीं भाई, बालकनी खुला रखो। कैसी बात करते हो जाडालत? ललिता मैडम ने कहा है कि बालकनी में जाना रिस्की है, इसलिए बालकनी बंद। नहीं अरे भाई, क्या बंद, बालकनी बंद रखोगा प्रॉब्लम हो जाएगा। जडेलाल क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? अरे मतलब मैं रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पण करता हूँ, फिर मैं कहाँ से करूँगा जल अर्पण सूर्य देव को? अरे तो जेठालाल उसके लिए टेरेस पर चले जाना। और जडेलाल टेरेस पे से भी सूर्य देव के दर्शन होते हैं। हाँ भाई बंद, बालकनी बिल्कुल बंद। मैंने पहले से ही अपनी बालकनी बंद करके रखी है, आप लोग भी अपनी बालकनी फौरन बंद कर दीजिए। और पप्पू, और जेठा प्रा की बालकनी जेठा प्रा की बालकनी है, ललिता जी की बात नहीं मानकर जेठा प्रा को अगर रिस्क उठाना है और अपनी बालकनी खुली रखनी है तो उनको रिस्क लेने दे भाई, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? सॉरी भाई, बालकनी बंद रखे या ना रखे, मैंने तो तय किया है मैं अपनी बालकनी बंद रखेगा। तो ठीक है, फिर मैं भी अपनी बालकनी बंद रखता हूँ। अभी वो भीड़े ने बोला ना कि वो टेरेस पे जाके मैं सूर्य देव को जल अर्पण कर सकता हूँ, वो बराबर बात मेरे मन में बैठ गई। ठीक है बराबर, मैं भी बंद बंद। चलो सेफ्टी ज्यादा बेटर। अय्यर भाई आप भी बंद ही रखेंगे ना बालकनी? हाँ। एक मिनट, आई एम सो सॉरी मैडम, हम लोग आपस की बात लेकर बैठ गए। सॉरी, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए प्लीज। हाँ तो बिल्डिंग की सेफ्टी के लिए बिल्डिंग का प्लास्टरिंग करवाना बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्डिंग का सेफ्टी फर्स्ट। शेख मुझे जरा बोलने दो ना मैडम, आया खास बोलने के लिए, आप बीच में बार बार बोल रहे हो यार भाई, शांति रखो जरा। सॉरी सॉरी मैडम, बोलिए। तो मेरी ये एडवाइस है कि आप जल्द से जल्द कॉन्ट्रैक्टर से बात करके टेंडर्स मंगवा लीजिए और जितना हो सके उतना जल्दी बिल्डिंग के रिपेयरिंग का काम शुरू करवा दीजिए। जी बिल्कुल मैडम, आप बता सकते हैं अंदाज से इन सब में कितना खर्चा आएगा? मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 लाख।
ये लीजिए रिपोर्ट। अच्छा, इसमें टोटल वर्क और मटेरियल क्वालिटी की डिटेल्स हैं। टेंडर फाइनल करते वक्त मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, मैं आ जाऊंगी, और उससे पहले कोई भी काम हो मुझे फोन करिएगा। ओके, आई आई। पच्चीस तीस लाख का खर्चा बोला मैडम। हाँ तो भाइयों, आपने जैसे सुना कि हमें जल्द से जल्द अभी कॉन्ट्रैक्टर को बुलाना पड़ेगा, तो आपके पहचान में से कोई कॉन्ट्रैक्टर हो तो प्लीज आप टेंडर मंगवा लीजिए। आदवाराम, ये ललिता मैडम ने 25 से 30 लाख का बजट दिया है, मेरा कंट्रीब्यूशन देने में कोई इनकार नहीं है, लेकिन फिर भी बजट के मामले में तुम सोच समझ के आगे बढ़ना। ओ अय्यर भाई, किससे बात कर रहे हैं आप मालूम है? इसका नाम आत्माराम तुकाराम भिड़े है, ये एक भी रुपया फालतू का खर्चा नहीं करेगा। थैंक यू वेरी मच जेठालाल, थैंक यू। नहीं नहीं, जो सच होता बोलना ही पड़ता है ना भाई, उसमें क्या। अभी हम लोग जल्द से जल्द कॉन्ट्रैक्टर से टेंडर मंगवा लेंगे, और उसमें से जो भी रीजनेबल होगा हम लोग फाइनल कर देंगे। हाँ बराबर बराबर। अगर 25 से 30 लाख मतलब पर फ्लैट 40-50,000 आएगा। 50,000 का तो 60,000 ले ले, पर पिड़ो बिल्डिंग एकदम मजबूत बनाना। अरे भाई सोड़ी, इतना खर्चा नहीं आएगा, थोड़ा खर्चा कम आएगा, क्योंकि सोसाइटी के पास पहले से ही 10 लाख रुपए का फंड मौजूद है। क्या 10 लाख? अरे इतना पैसा कहाँ से है भाई, बता भी पिड़ो। अरे आदवारा, तुम तो हमेशा रोते रहते हो कि सोसाइटी में फंड नहीं है, फंड नहीं है, तो फिर ये 10 लाख रुपए किधर से लाए? हाँ लेकिन मेरा रोना काम में आया कि नहीं? मैंने ये पैसा इसी दिन के लिए बचा के रखा था, मुझे मालूम था कभी ना कभी जरूरत पड़ेगी। इसको बोलते हैं दूरंदेशी। अरे वाह, आज पता चल गया भिड़े मास्टर मास्टर है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो फिर मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, इस मीटिंग में ये जाहिर करता हूँ कि हम लोग जल्द से जल्द गोकुलधाम सोसाइटी का रिनोवेशन का काम शुरू करेंगे, और जो भी खर्चा आएगा आपस में बांट लेंगे, ठीक है? हाँ बराबर है, बराबर है। गुड। कैंसल कैंसल कैंसल। क्या हुआ भाई भोपटलाल, क्या हुआ अचानक, क्या कैंसल? ओ पप्पू, ओ कल रात को तो तुम मेंढक की तरह उछल उछल के बोल रहा था, ओ सोसाइटी रिपेयर कराओ, सोसाइटी रिपेयर कराओ, सोसाइटी रिपेयर कराओ, अभी बोल रहा है कैंसल कैंसल कैंसल। ओ एक बार डिसाइड कर यार। देखो सोड़ी, मैं सोसाइटी के रिपेयरिंग काम के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ। तो क्या? तो बिना तुम बिना जांच पड़ताल किए सिर्फ एक ललिता गोड़बोले की रिपोर्ट पर सोसाइटी में लाखों रुपए का काम करवाने के लिए तैयार हो गए। और दो तीन सिविल इंजीनियर को कंसल्ट करो, उनसे रिपोर्ट मंगवाओ। क्यों? नहीं, नहीं, क्या क्यों क्या हो सकता है, उनके रिपोर्ट में ऐसा आया कि हमारी सोसाइटी में इतना ज्यादा खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। पोपटलाल, ललिता गोड़बोले जी एक बहुत अच्छी इंजीनियर है, और वो ईमानदार भी है, इसीलिए तो गुस्से वाली है। ईमानदार लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं। सबसे मेन बात वो अनुभवी है, वो जो भी सलाह और रिपोर्ट देती है वो हमेशा सही होती है। अगर उन्होंने कहा है कि सोसाइटी में काम करवाना जरूरी है तो जरूरी है, पर अगर मैं दूसरे इंजीनियर से भी रिपोर्ट निकलवाऊंगा तो वो भी यही रिपोर्ट देंगे। अरे भाई भिड़े, इन इंजीनियरों का क्या है, उनको सिर्फ कागज पर रिपोर्ट बनानी होती, जितना ज्यादा बजट होगा उतना उनका ज्यादा कमीशन होगा, भाई खर्चा तो सोसाइटी को करना है ना। और मैं कहता हूं कि जहां पर ये प्लास्टर गिरा है उतना हिस्सा रिपेयर कराओ, पूरी सोसाइटी को रिपेयरिंग कराने की क्या जरूरत है? अरे भाई, कल को समझो कहीं और से प्लास्टर गिरा तो फिर वहां काम करवाने का, यानी जहां जहां प्लास्टर गिरता रहेगा वहां पूरे साल हम लोग काम करवाते रहेंगे, तो फिर तो बजट 50-60 लाख रुपया हो जाएगा। पोपटलाल, तुम्हारा आइडिया कैंसिल। क्या पोपटलाल, तुम भी ना बिना सोचे समझे बोल देते हो। विड़त, बिना सोचे समझे का क्या मतलब? मैं बेवकूफ हूँ, नादान हूँ? विड़े सोसाइटी में सेक्रेटरी कैसे काम करता है ये मालूम है तुम्हें? पत्रकार पोपटलाल जी, पिछले कई सालों से मैं ही सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ, और सोसाइटी अच्छी तरह से चला रहा हूँ। तो भाई मैं भी सोसाइटी का कमेटी मेंबर हूं, तुम जो बोल रहे हो बिल्कुल गलत बोल रहे हो, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। पप्पू, और सही बात बोलोगे तो मानेंगे। सोड़ी, मैं बिल्कुल सही बात बोल रहा हूं। गलत बोल रहे तुम, बिल्कुल गलत। गलत तुम बोल रहे हो भिड़े,
अगर तुम्हें सोसाइटी का काम करवाना ही था तो कुछ महीनों पहले तुमने सोसाइटी के कलर का काम क्यों करवाया? एक मिनट, सोसाइटी में कलर मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया था। उस वक्त मीटिंग बुलाई थी, मीटिंग में तय हुआ था, तब जाके हमने कलर किया था। बराबर। मुझे क्यों बोल रहे तुम? सब जानता हूँ भिड़े, सब जानता हूँ। ये ललिता गोड़बोले मैडम तुम्हारे गाँव की है ना? अरे वो मेरे गाँव से, तो फिर मैं, एक मिनट, पोपटलाल तुम ये कहना चाहते हो कि इस काम के पीछे मैं कमीशन खाना चाहता हूँ? ये मैंने नहीं बोला, ये तुम बोल रहे हो। पोपटलाल तुम अपनी हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। पीड़ू आराम से यार। क्या 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 करेगा तू? मारेगा मुझे? आजा, मारेगा ना? एक मिनट रुक। अरे आती भाई पकड़े इसे, पकड़े। आजा आजा आगे आजा। अरे शांत हो, क्या कर रहा है यार? देखो भाइयों, इस एक आदमी की मूर्खता की वजह से हम लोग सोसाइटी का काम नहीं रोकेंगे। ठीक है, आप लोगों को फालतू पैसा उड़ाने का शौक है ना, तो आराम से उड़ाइए। मैं अपनी बालकनी का काम खुद करवा लूंगा। और मिस्टर आत्माराम तुकाराम भिड़े, तुम्हें तो मैं कोर्ट में ले जाऊंगा, केस करूंगा तुम्हारे ऊपर। सोसाइटी के पैसे तुम फालतू खर्च कर रहे हो, इसलिए तुम पर केस करूंगा। यार ये भी क्या आदमी है। चलो प्रथम ग्रास है मक्षी का। मतलब सोड़ी कि काम होने के पहले ही पनौती लग गया। सही बात है, अब पता नहीं अपने सोसाइटी का काम होगा भी कि नहीं। हाथी भाई, हर सोसाइटी में इसकी जैसे एक दो नड़ने वाले कैरेक्टर होते ही है, मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। ओ पिड़ू, ओ पोपू की बात दिल पे मत ले यार। दिल पे नहीं ले रहा हूँ सोड़ी, लेकिन अगर ऐसे कुछ बोलेगा तो गुस्सा नहीं आएगा? थूक दे। गुस्सा थूक दे यार, जरूरी है। अब क्या करें? अरे क्या करें क्या? भिड़ा तू सोसाइटी का काम आगे बढ़ा। जेठा भाई वो क्या है ना कि हम सब सोसाइटी में एक साथ रहते हैं, तो सबको साथ में लेके आगे चले तो अच्छा रहे। नहीं नहीं तो बराबर है, लेकिन अभी एक पोपटलाल ने कैंसल बोल दिया तो क्या सोसाइटी का काम नहीं होगा? होगा, लेकिन अभी ये पोपटलाल के दिमाग में क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करें, कल पोपटलाल से बात करते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं कि क्या करना है। ठीक है, तो भाइयों आज की मीटिंग यही समाप्त होती है, चलो। ये आज पोपटलाल का बर्ताव कुछ समझ में नहीं आया। मित्रों, हिंदी में एक शब्द होता है सर्वसम्मति, यानी कि सबकी राय और सहमति से कोई काम किया जाना, जो कि लोकतंत्र में बड़ा आवश्यक है, और लोकतंत्र में विरोध भी उतना ही जरूरी है। देखिए गोकुलधाम सोसाइटी में इस वक्त विरोध का स्वर उठ खड़ा हुआ है रिपेयरिंग के खिलाफ। मिस्टर कैंसल विरोध में। मिस्टर कैंसल, मैंने मित्र पोपटलाल, आपकी सोसाइटी में भी कई लोग ऐसे होते होंगे जो हर बात में विरोध करते होंगे, लेकिन पोपटलाल, मुझे लगता है कई बार इनका दिमाग तो रिसर्च के लिए भेजा जाना चाहिए। पता नहीं कोई मजबूरी है या अपने अड़ियल स्वभाव की वजह से मजबूर है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन विरोध करने के लिए खड़े हो गए। अब देखना यह है कि यहां क्या होता है, गोकुलधाम सोसाइटी में ये रिपेयरिंग प्रारंभ हो पाती है या नहीं हो पाती, रिपेयरिंग होगी ये फरमान जारी होता है या नहीं होता, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपके घरों में हंसी का फरमान हमेशा जारी रहेगा। देखते रहिए और हंसते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। टप्पू के पापा, क्या हुआ? क्या आप मीटिंग में गए तब छोले भटूरे के भटूरे जैसे लग रहे थे, लेकिन अभी वापस आए तो छोले जैसे क्यों लग रहे हैं? हाँ क्या हुआ जेठा, मीटिंग में किसी के साथ झगड़ा हुआ? नहीं झगड़ा तो नहीं हुआ, पर क्या किसी के साथ जीवा जोड़ी की? एक ही सोसाइटी में रहना और क्या सबसे तू तू मैं करना। हाँ तो बाबूचा कहीं का? अरे मैंने किसी के साथ कोई जीबा जोड़ी नहीं की है बाबूजी। तो वो कैंसल लाल ने की। पोपट लाल? ले पोपट भाई ने क्या किया? अरे उसकी शादी नहीं हुई है ना तो बावरा हो गया है वो, मगर ठिकाना न थी अनु अक्कल मठो। अरे भाई सीधा सीधा बोलना, क्या किया क्या पोपट ने? अरे बाबूजी क्या हुआ? कैंसल कैंसल कैंसल। भिड़ा तुम बिना जांच पड़ताल किए सिर्फ एक ललिता गोड़बोले की रिपोर्ट पर सोसाइटी में लाखों रुपए का काम करवाने के लिए तैयार हो?
भिड़े सोसाइटी में सेक्रेटरी कैसे काम करता है ये मालूम है तुम्हें? सब जानता हूँ भिड़े, सब जानता हूँ। ये ललिता घोड़बोले मैडम तुम्हारे गांव की है ना? ओपड़ला तुम ये कहना चाहते हो कि इस काम के पीछे मैं कमीशन खाना चाहता हूँ? ओपड़ला तुम अपनी हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। बोलो, अभी परसों आधी रात को सबको नींद में से जगा जगा के कंपाउंड में नीचे बुला बुला के चिल्ला चिल्ला के वो कह रहा था कि नहीं सोसाइटी रिपेयर करवाओ, सोसाइटी रिपेयर करवाओ, सोसाइटी रिपेयर करवाओ, और अभी बोल रहा है कैंसल कैंसल कैंसल। समझ में आ रहा है उसके दिमाग में क्या चल रहा है? पोपटिया, घर में आ सकता हूँ? अरे चाचा जी आप आइए आइए, आप तो हवा जैसे हैं। है? अरे मेरा मतलब है आप मेरे घर पर कभी भी आ सकते हैं। आइए आइए बैठिए बैठिए। सॉरी यार, वो क्या है, घर पर अकेला रहता हूँ ना तो सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। शादी नहीं हुई ना अभी तक? अरे होगी होगी, तेरी भी शादी होगी। आपके मुंह में घी शक्कर। मैं दुआ करता हूँ कि आप हमेशा तंदुरुस्त रहे, खुश रहे। मुझे खुश रहने के लिए कह रहा है और सोसाइटी वालों को दुखी कर रहा है? मतलब? अरे क्या मतलब, मुझे एक बात बता, तू नहीं चाहता कि तेरी गैलरी का प्लास्टर ठीक हो जाए? चाहता हूँ ना। तू नहीं चाहता कि पूरी सोसाइटी की बाहरी दीवारों पर प्लास्टर हो जाए, बिल्डिंग मजबूत हो जाए? ये भी चाहता हूँ। अरे तो भाई हवन में पत्थर क्यों डाल रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या है तुझे? चाचा जी सोसाइटी में हर काम एक एक पद्धति से होना चाहिए, एक सिस्टम से होना चाहिए, मेरा मतलब है स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। हाँ तो गोकुलधाम में हर काम पद्धति से ही तो होता आ रहा है। समझ गया, सबने आपको वकील बनाकर मेरे पास भेजा है। ये बात मत बदल डिब्बे। पैसे? पैसों का प्रॉब्लम है। बोल। हाँ। चाचा जी मैं ठहरा एक आम ईमानदार पत्रकार, एक साथ 40-50 हजार रुपए कहां से निकालूं? और चाचा जी बस मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ये बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए हैं। मीटिंग में क्या हुआ वो जेठा ने मुझे सब बताया, तभी मुझे लगा कि तेरा प्रॉब्लम कुछ और है, क्योंकि तेरी गैलरी का तो प्लास्टर गिरा है, तू क्यों इस काम में बाधा डालेगा? ये ले। ये क्या है? इसमें 30,000 रुपए है। नहीं 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 चाचा जी, ये मैं नहीं रख सकता। रख, सोसाइटी में किसी को पता नहीं चलेगा, ये बात सिर्फ तेरे और मेरे बीच में ही रहेगी, क्योंकि अब तो मैं भी भूल गया हूँ कि मैंने तुझे पैसे दिए। शांति से सो जा। चाचा जी। अरे चाचा जी, आपने आज सिर्फ पैसों की नहीं, आपके प्यार ने मेरे पिताजी की कमी पूरी कर दी। चल चल डिब्बे, कहा ना तुझे कुछ याद मत रख। सो जा, मैं चलता हूँ। माझे मधुबाला और प्रेम होता काय? मैगजीन मध्ये लिहिलं आहे माधवी, आम्ही लग्नही करणार होतो। पोपटलाल का फोन, ये मीटिंग में झगड़ा करके इसका पेट नहीं भरा लगता है, अब ये फोन पे सर खाएगा मेरा, मुझ पर इल्जाम लगाता है, मुझे बात ही नहीं करनी, बजने दो फोन को। वो सुखा करता है, बोला ना, ऐसे किसी को टालना अच्छी बात नहीं है, बोला ना। डोका खाना तो मानू सका नहीं हो क्या है? हेलो भिड़े, भाई सोसाइटी का काम कब से शुरू करवा रहे हो? कौन बोल रहा है? अरे क्या कौन बोल रहा है, तुम्हारा दोस्त पत्रकार पोपटलाल। नहीं नहीं नहीं, हमारा पत्रकार पोपटलाल इतनी मीठी जुबान में बात नहीं करता भाई, वो तो चिल्ला चिल्ला कर बात करता है, सोसाइटी के सेक्रेटरी पर आरोप लगाता है कि वो कमीशन खाता है, कोर्ट में जाने की बात करता है। देखो देखो भिड़े, ये इल्जाम तुमने खुद अपने ऊपर लगाया था, फिर भी मैं सॉरी बोलता हूँ बस। नहीं 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 भाई, तुम्हारा सॉरी नहीं चाहिए, तुम्हारा आगे जाके कोई भरोसा नहीं है।
आपने वो सभी बोल रहे तो मान जाइए ना, भूल जाइए सब। पोपटलाल तुम एक जिम्मेदार कमेटी मेंबर होने के बावजूद भी कैंसल कैंसल बोलकर लड़ गए, हंगामा खड़ा कर दिया मीटिंग में। अब मुझे बताओ कि सोसाइटी का काम कैसे शुरू कर सकते हैं? अरे भाई भिड़े, तुम मजाक भी नहीं समझते कि हाँ वो पोल्टी पर तुम ए चल चल, वो मजाक नहीं था, अभी पोल्टी मत मार। तुम सच में लड़ गए थे पोपटलाल? देखो पुरानी बातों को भूल जाओ। पुरानी बात? अरे अभी हो ना, पुरानी बात कैसी? मेरा मतलब है जो हुआ सो हुआ, अब जल्दी से सोसाइटी के काम के लिए टेंडर मंगवाओ और जितना खर्चा होगा मुझे बताना, मैं देने को तैयार हूँ। पूरी सोसाइटी का खर्चा दोगे? क्या लॉटरी वोटरी लग गई क्या? मतलब मेरे हिस्से का जो खर्चा है वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। भाई हमारी सोसाइटी की मजबूती का सवाल है। बिड़े सोच क्या रहे हो, टेंडर मंगवाओ? नहीं नहीं मैं टेंडर मंगवा लूंगा पोपटला, लेकिन आज के आज नहीं है, इस काम के लिए 2-3 दिन लगेंगे। हाँ तो बाद में तुम चिल्लाना मत कि अभी तक क्यों नहीं हुआ। नहीं 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 भाई भिड़े, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ओहो अचानक, तुम अपना काम शुरू करो, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है ठीक है, बाय। वाह 2-4 दिन क्यों, मैं ही तूफान एक्सप्रेस में ऐड दे देता हूँ, कल ही आ जाएगा कि भाई गोकुलधाम सोसाइटी में प्लास्टर और कलर के काम के लिए कोटेशन भेजे। मैटर अभी के अभी भेज देता हूँ। सो जाइए अभी। माधवी या पोपटलाल से क्या कहतस नहीं का? कभी चोच मारता है, कभी मीठी मीठी बातें बोलता है। समझ ना, वो मान गए यही बड़ी बात है। झूठा था। कल सभी को टेंडर के लिए बोलता हूँ। तरी मजे मधुबाला से प्रेम कदीच कमी होणार नाही। अरे देवा, भिड़े भाई गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। भिड़े भाई सवेरे सवेरे कैसे याद किया? हाँ एक काम था तुमसे, सोसाइटी में सबको पेड़े खिलाने, ये लो। क्या भिड़े भाई, 50 रुपए में शक्कर नहीं आती है, पेड़े कहाँ से आएंगे? अब्दुल दे रहा हूँ पैसे, इस जेब में सिर्फ 50 रुपए थे। 100 मिनट रुको, वो 50 और ये 450, कितने हुए टोटल? हाँ 500 हो गए। अब आएंगे पेड़े? हाँ आ जाएंगे भिड़े भाई। भिड़े भाई ये अचानक पेड़े, कोई खुशखबरी है क्या? खुशखबरी? अरे बहुत बड़ी खुशखबरी है। पत्रकार पोपटलाल को जानते हो ना, कितना टेंशन दिया था सोसाइटी के रिपेयरिंग काम को लेकर, तो पत्रकार पोपटलाल जी अभी मान गए। सबको पेड़े बांटकर बोल दो कि अभी सोसाइटी का काम जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। ओके ओके मैं जानता हूं। भले भाई ये जो 500 रुपए आपने दिए है, ये रिपेयरिंग फंड में कम तो नहीं पड़ जाएंगे ना? लीजिए खाखरा। चाचा जी नमस्ते। अरे नमस्ते। अरे आओ अब्दुल। गिड़ा भाई नमस्ते। चाचा जी पेड़े लीजिए। क्या बात है अब्दुल, बेटा हुआ तुझे, मुबारक हो भाई। जेठा भाई क्या मजाक कर रहे, मेरी तब तक शादी भी नहीं हुई, बेटा कहाँ से होगा, वो तो पोपट भाई है? पोपटलाल को बेटा हुआ? अभी तुम मजाक कर रहे हो भाई, पोपटलाल को भी बेटा कहाँ से हो सकता है, उसकी भी शादी कब हुई है? जेठा भाई मुझे पूरा बोले तो दो, पोपट भाई रेडी हो गए सोसाइटी की रिपेयरिंग के लिए और उसी खुशी में भिड़े भाई पेड़े बांट रहे हैं। चाचा जी पेड़ लीजिए। क्या बात कर रहे हैं अब्दुल, पोपटलाल मान गया, वो नोड़ू का दिमाग की रिपेयरिंग की किसने? रब जेठा तू आम खाना भाई, पेड़ क्यों गिन रहा है, कैसे माना, क्यों माना, किसने मनाया, ये सब जान के तू क्या करेगा? बापू जी यह पोपटलाल सूखी हुई रिफिल जैसा है, जब तक सूखी हुई रिफिल को ऐसे झटको नहीं तो बराबर चलती नहीं है ना, उसी तरह यह पोपटलाल को झटको नहीं ना तब तक वो ठीक तरह से चलता नहीं है, जरूर किसी ने उसको झटका है। चलने छोड़ने अवे। ए अब्दुल ये जेठिया के मुंह में पेड़ा डाल ताकि उसका मुंह बंद हो। भाभी हाँ जी जी हाँ, आपका ईमेल आईडी क्या है? हाँ हाँ
अच्छा ओके ओके, हाँ मैं आपको डिटेल्स सब मेल कर दूंगा। हाँ ओके ओके। हेलो, हाँ जी मैं आत्माराम भिड़े बोल रहा हूँ। हाँ हाँ सोसाइटी का सेक्रेटरी बोलिए। एक मिनट एक मिनट, अरे माधवी नहीं नहीं आपको, अच्छा आपका नाम माधव है। हाँ ओके ओके, नहीं नहीं आपको नहीं बुलाया, एक मिनट होल्ड करना। हेलो, हाँ जी मैं, हाँ सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल हाँ बोलिए। हाँ हाँ वो ऐड, हाँ हाँ वो मालूम है उस ऐड के बारे में, लेकिन उसमें आधी इन्फॉर्मेशन है। जी जी हाँ, आप एक काम कीजिए, आप मुझे अपना ईमेल आईडी दीजिए। हाँ नहीं नहीं एक ही, दोनों एक साथ मत बोलिए, आप जरा होल्ड कीजिए। हाँ आप अपना ईमेल आईडी दीजिए मुझे। हाँ 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 मैं आपको सारी डिटेल्स मेल कर दूंगा, फिर आप अपना कोटेशन भेज दीजिए। हाँ हाँ ठीक है ओके, हाँ 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 जल्द से जल्द भेज दूंगा। हाँ ओके थैंक यू। काय चल रहे है? हाँ सगे तक पोपटा सा गाड़ो पड़ा है माधवी है? एक तो बिना मुझसे पूछे उसने तूफान एक्सप्रेस में ऐड दे दी, और वो भी आधी इन्फॉर्मेशन के साथ। अरे फोन अटेंड कर करके मैं परेशान हो गया हूँ। ये पोपट भौजी भी ना पहले रेस में हिस्सा नहीं ले रहे थे और अभी सबसे आगे दौड़ रहे हैं। मग कठिन है। गुड मॉर्निंग भिड़े, थिंक ऑफ द 100 साल जिएंगे। थैंक यू। हाँ भाई भिड़े, आज मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा काम किया है कि तुम खुशी से पागल हो जाओगे। ये देखो। अरे भाई खुशी से नहीं, लेकिन इसके वजह से मैं पागल हो गया हूँ, फोन लेते लेते तुम्हारी ऐड की वजह से। अरे भाई मुझसे बिना पूछे तुमने तूफान एक्सप्रेस में ऐड क्यों दी? लो कर लो बात। भाई मुझे लगा कि मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया तो तुम मेरी तारीफ करोगे, थैंक यू बोलोगे, लेकिन इसके बदले ये मुझे डांट रहा है। मैं भलाई का जमाना ही नहीं रहा। अच्छा बाबा ऐड देने के लिए थैंक यू, ऐसे बोलते हैं थैंक यू? मैं ऐसा ही बोलता हूँ थैंक यू, लेकिन मुझसे पूछा क्यों नहीं? मैं पूछता तो तुम ना बोलते। नहीं गलत, मैं तुम्हें सिखा था कि ऐड कैसे देते हैं। अब तुम मुझे सिखाओगे कि अखबार में ऐड कैसे देते हैं? सिखा था मतलब मैं तुम्हें बताता कि ऐड क्या देनी है। तुमने मेरा मोबाइल नंबर दे दिया, अरे इसके बदले मेरा ईमेल आईडी देते। अरे मैंने खास अपना एक नया ईमेल आईडी बनाया है, ekamevasecretary@gokuldham.com। वाह वाह क्या बात है। तो भाई कल के तूफान एक्सप्रेस में एक और ऐड दे देंगे, भाई घर का अखबार है। अब मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, हाँ जी मैं आत्माराम भिड़े बोल रहा हूँ। हाँ गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी। अरे वाह, अरे वाह क्या, अरे वाह उठाओ। हेलो नहीं 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 सेक्रेटरी नहीं, मैं गोकुलधाम सोसाइटी का माननीय कमिटी मेंबर बोल रहा हूँ, श्री पत्रकार पोपटलाल। भाई भिड़े बिजी हो गया तुम सुबह से? हाँ आप ही की मेहरबानी है ना। भाई भिड़े अभी अखबार में तो ये बात आ गई है, सबको पता चल गई है, लेकिन गोकुलधाम सोसाइटी में सबके यहाँ पे तूफान एक्सप्रेस नहीं आता है, तो हमें ये बात नीचे नोटिस बोर्ड पर लिख देनी चाहिए। खुशखबर खुशखबर खुशखबर, सोसाइटी रिपेयरिंग को लेकर पत्रकार पोपटलाल जी की नाराजगी दूर हो गई है, इसलिए अब रिपेयरिंग का काम जल्द शुरू होगा। इस बात के पेड़े आपको मिल गए होंगे, तो सभी को सूचित किया जाता है कि आपकी जान पहचान में कोई कॉन्ट्रैक्टर हो तो उससे टेंडर मंगवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए ईमेल करें ekamevasecretary@gokuldham.com। 5 दिन बाद संडे को सुबह 9 बजे टेंडर खुलेगा। आत्माराम तुकाराम भिड़े, ठीक है? एक मिनट भिड़े जरा यहाँ आना। हाँ Thank you.
सब बराबर है। वैसे पोपटलाल तुम्हारे हस्ताक्षर कमाल के हैं। थैंक यू। तुम्हारी तरह टेढ़ी नहीं, अच्छा अच्छा है। ओए पापा जी। नहीं मस्त है। एक मिनट सेक्रेटरी साहब, आज आपका क्या है सुविचार? पढ़ो पढ़ो सोड़ी। पढ़ो। और तू शिक्षक आदो क्या हुआ? स्कूल कॉलेज में हमने भी पढ़ा, अभी पढ़ लेते हैं। ओहो, खुशखबर खुशखबर खुशखबर, हमारी माधवी बाबी के बने हुए अचार और पापड़ और पिड़े साहब दे रहे हैं पूरे 20% डिस्काउंट पे। बल्ला 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 बल्ला। क्या स्कूल कॉलेज में क्या पढ़ा था? हाँ ये लिखा है मैंने। सूढ़ी मैंने क्या लिखा है, तुम क्या पढ़ रहे हो भाई? ओ पढ़ा यार पढ़ा। ओ कमाल है पप्पू, पल में तू रूठ जाता है, पल में तू मान जाता है, एकदम नए नवेले दूल्हे की तरह। अरे भाई सोड़ी, पहले इस जीवन में दूल्हा बनने तो दे। ओ बनेगा जरूर, राम जी की कृपा से निश्चय रख। अरे लेकिन पवरलाल, तुमको कन्विंस होना ही था, तो फिर कल रात को मीटिंग में हुआ कैंदला 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 करने का ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? अय्यर भाई, पुरानी बातों को बिल्कुल भूल जाइए। रात गई बात गई। देखिए मैंने तूफान एक्सप्रेस में हमारी सोसाइटी के रिपेयरिंग के काम के लिए एड भी दे दिया है। ये देखिए। और दिखाओ ये दिखाओ। क्या बात है। और अपने पास संडे तक टाइम है, संडे को टेंडर फाइनल होगा। हा? अच्छा चलो अय्यर साहब, चेन्नई के शेयर, आपको गैराज छोड़ देता हूँ। गैराज क्यों? छोड़ी तू मेरे को ऑफिस छोड़। पर मैं तो गैराज जा रहा हूँ ना। अरे पर मेरे को ऑफिस जाना है। मजाक कर रहा हूँ यार। चल चल तेरे को ऑफिस छोड़ के गैराज चला जाऊंगा। चंगा यारो। ओ सोड़ी भाई पेपर तो दे। ओ हाँ फाड़। फाड़ू क्यों भाई? ओ पप्पू, और तेरी पंजाबी लड़की से फर्स्ट क्लास शादी करा दूंगा, पंजाबी सीख ले। फाड़ मतलब पकड़। ओ अच्छा अच्छा भाई, थैंक यू चलो। हाजी हाजी, गुड डे गुड डे। भिड़े अच्छा लिखते हो तुम। दोस्तों कहा जाता है कि इंसान को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, लेकिन मदद इस तरह से करनी चाहिए कि अगर दाएं हाथ से मदद करें तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। कोई आपसे मदद मांगे और आप उसकी मदद कर दें तो ये तो इंसानियत है, लेकिन बिना मांगे अगर आप किसी की मदद कर दें तो ये ईश्वरीय गुण है। और इसका एक उदाहरण चंपक चाचा ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। आप भी जीवन में ऐसा ही कीजिए, बिना मांगे लोगों की मदद कीजिए तो ईश्वर आपके हमेशा साथ है। अब गोकुलधाम सोसाइटी की बात करते हैं साहब। यहाँ पे इस वक्त ये तो तय हो चुका है कि रिपेयरिंग होगी, लेकिन रिपेयरिंग की मंजिल किस तरह से तय होगी ये देखने वाली बात है। क्योंकि अगर आप पहाड़ी के रास्ते से मंजिल पे पहुंचना चाहे तो बहुत सारे मोड़, बहुत सारी बाधाएं आती है, और गोकुलधाम तो आप जानते हैं। अब अगर रिपेयरिंग करनी है तो बहुत सारी चीजें होंगी, टेंडर आएंगे, लेकिन कितने टेंडर आएंगे, कितने लोगों के आएंगे, किस किस के आएंगे, कई सारे सवाल हैं। और जैसे पूरे देश में इस वक्त FDI रिटेल पे हम लोग एकमत नहीं हो पा रहे, ठीक उसी तरह से गोकुलधाम में भी हमेशा कभी ना कभी कोई ना कोई अलग जरूर होता है, एकमत कभी नहीं होते। जैसे कि उत्तरी ध्रुव पे हमेशा बर्फ जमी रहती है 12 महीने, ठीक वैसे यहाँ 12 महीने हंगामे रहते हैं और आपके घर में 12 ही महीने ठहाके। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।